नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं भी अच्छी हूँ, आप भी अच्छे हैं। मैं आप दिल से दुआ करती हूँ, आप लोगों का प्यार मुझे इतना अच्छा मिला। अभी फेस्टिवल आ रहा है, हमें 14 तारीख को, जनवरी 14 तारीख से फेस्टिवल शुरू हो जा रहे हैं, ओनम, पोंगल, लोहड़ी। और मेरी आंटी ने केरला से मुझे फोन करके बोला है कि आप हमें हमारे फेस्टिवल पे एक अच्छा सा डिश बताइए। एक बहुत अच्छी रेसिपी बता रही हूँ, उनके केरला की रेसिपी है वो, उसका नाम है चक्कर पोंगल। कटोरी गोविंद राइस, मूंग की दाल एक कटोरी, गुड़ एक कटोरी, 4-5 चम्मच घी, इलायची और सौंफ, किशमिश, केवड़ा, चेरी, बादाम, काजू, पिस्ता। कढ़ाई रख दी है, एक चम्मच में घी ले रही हूँ, घी डाल के चावल से थोड़ा फ्राई कर दूंगी, इससे हमारा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जल्दी भी बन जाएगा आपको। इसके बाद मैं मूंग की दाल ले रही हूँ, उसको भी मैं फ्राई करूंगी। ये थोड़ा मैंने पहले से ही भिगा के रख लिया है, जिससे हमारा जल्दी बन जाए। आधा घंटा रख देंगे तो भीग जाएगा अच्छे से। ये देखिए कितने अच्छे से फूल भी गए हैं। उसको थोड़ा फ्राई करेंगे तो उससे अच्छा टेस्ट आता है हमारा। हो गए, बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं। और एक और इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये ना लक्ष्मी को भी बहुत ही पसंद है, लक्ष्मी पूजा करते हैं आप, फ्राइडे फ्राइडे भी रखते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। माता रानी को भी बहुत अच्छा लगता है, ये प्रसाद के रूप में भी भोग लगाया जाता है। मैं थोड़ा बड़ा वाला बॉयल लेके मैं एक बड़ा वाला बर्तन से डाल रही हूँ। ये भी मैंने एक एक कप लिया है ना, मैंने 2 कप हुए तो 3 कप पानी डलेगा, 3 विजल लगने, गुड़ लेना है इसके अंदर डाल दूंगी। इसके अंदर डाल के मिला देना अच्छे से, आपकी मर्जी। आपको स्वीट ज्यादा पसंद है तो ज्यादा डालिए, कम पसंद है तो कम डालिए, इसमें कोई वो नहीं है। मैंने गुड़ अच्छे से डाल दिया, और 15 मिनट लगेगा, हमें 10-15 मिनट टाइम लग गया अंदर से रख गया। जितना अच्छा धीमी आंच पे पकाएंगे उतना टेस्ट बनेगा हमारा। 5 मिनट ढक के रख देती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी किनारी छोड़ने लगी है, ये समझिए आप हमारा पक गया है। ये अच्छे से मूंग दाल, गोविंद राइस और गुड़, ये तीनों अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है। ऐसे रहने चाहिए हमें, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला, सेम ऐसे रहना चाहिए। ये हर भगवान को भी बहुत ही पसंद है, तिरुपति बालाजी से लेकर नरसिम्हा स्वामी के लिए सब भोग, उन इधर के आंध्र के या केरला के मंदिरों में ये सबसे अच्छा स्वीट माना जाता है। इसका नाम है चक्कर पोंगली। अभी आंध्रा में अभी पोंगल फेस्टिवल स्टार्ट होता है, और ये रेसिपी को आप घर में बहुत ट्राई करिए, फ्रेंड्स को खिलाइए, भगवान को भोग लगाइए, सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हमारा बन के तैयार हो गया है, पूरा पानी अच्छे से सोख लिया है। दूसरा मैं अलग अलग के ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके मैं बताती हूँ। इसमें थोड़ा घी ज्यादा लगता है, सबसे पहले मैं काजू डाल रही हूँ, उसके बाद बादाम, किशमिश, इनका फ्राई करना है इसको। हमारे हल्के हल्के फ्राई हो रहे हैं,
से तैयार हुई है। गैस बंद कर दीजिए। ऊपर से नारियल डाल रही हूँ और सौंफ और इलायची, आपकी मर्जी है, सौंफ डालना है तो डालिए, नहीं तो आपकी मर्जी है, लेकिन स्वीट डिश में डालने से बहुत ही अच्छा लगता है। चक्कर पोंगल बन के तैयार हो गया। अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। हमारा बन के तैयार हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। हमारा बन के गैस ऑन बंद कर दिया मैंने। ये हमारा बन के तैयार हो गया है, चक्कर पोंगल बन के तैयार हो गई है। आप सभी को हैप्पी पोंगल, हैप्पी संक्रांति और लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, ये सभी के लिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है। देखिए मेरी ये रेसिपी बनके तैयार हो गई है आपके लिए। देखो मैं कितने अच्छे अच्छे डिश बना रही हूँ, केरला से लेके आ रही हूँ, दिल्ली से लेके आ रही हूँ, बॉम्बे से लेके आ रही हूँ, पंजाब से लेके आ रही हूँ, सभी जगह से लेके आ रही हूँ। और ये मैंने आपके लिए केरला के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए भी मैंने आपके लिए बहुत अच्छी पोंगल और संक्रांति के लिए बहुत अच्छी बनाई है। इसका नाम है चक्कर पोंगल और ये फेस्टिवलों में ज़्यादा यूज़ करते हैं, आंध्र में हो या केरला में हो। और ये रेसिपी हमारी बन के तैयार हो गई है तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। और आप लोगों का प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, नमस्ते, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हैप्पी पोंगल फ्रेंड्स, लव यू।